اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق العظيم It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaj. Alhamdulillah, dear student, हमारा set A Abdullah साहब की book है, ICOM part 1 के student है, chapter 6 है, linear equation चल रही है हमारा, वो मुकम्मल हो चुकी है और आज हम set B की तरफ move कर रहे हैं, 6 chapter का linear equation बेटा. Alhamdulillah, आज तीन question हम discuss करेंगे, पिछले जो lecture हमने discuss किए हैं, उस पर माशाल्लाह अच्छा feedback मिला, और बच्चों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया तो इसी मुनासबत से आज मैंने जो डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो डिस्कस कर रहा हूँ सेट बी को डिस्कस कर रहा हूँ उसके तीन क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पर तीन क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस करने हैं क्वेश्चन 6.1 to 6.3 बेटा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है मैं स्टेटमेंट लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पर काइंडली आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा बेटा ओके जी स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6.1 लिखा हुआ है इफ 54 इज सब्ट्रैक्ट इफ इज 54 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम फ्रॉम 3 टाइम सब्ट्रैक्ट फॉर 3 टाइम अ सर्टेन नंबर रिजल्ट इज 36 फाइंड द नंबर जी बेटा अब हम इसको डिस्कस कर लेती हैं ओके जी क्वेश्चन में हमें क्या कहता है अंडरस्टैंड कीजिएगा था क्वेश्चन वो हमें कहता है कि अगर 54 सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 3 टाइम ठीक है अब टाइम का जहाँ लफ्ज आ जाए वो मल्टीप्लिकेशन होता है क्लियर ए सर्टन नंबर कोई नंबर है हमें नहीं पता क्या नंबर रिजल्ट कितना आएगा वो किसके बराबर होगा वो 36 के बराबर होगा ये हमें वो कह रहा है अब हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट बनती है वो कहते हैं लेट सपोज सॉल्यूशन का मूव करता हूँ लेट सपोज अ नंबर कोई नंबर ले लेते हैं लेट सपोज मैं एक्स ले लेता हूँ हमें नहीं पता कौन सा नंबर हमने क्या लिया लेट सपोज अ नंबर एक्स आ जाएगा फिर वो कहता है कि 54 को सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 54 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे थ्री टाइम सर्टेन नंबर क्या होगा 3/x यही बात लिखी हुई है 3 टाइम इज सर्टेन नंबर क्लियर फिर हमने क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम सर्टेन नंबर बाय 54 सब्ट्रैक्ट ठीक है जी तो क्या लेंगे 3x माइनस 54 ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अंदर आ गया फिर आगे मूव करते हैं वो रिजल्ट किसके बराबर होगा वो 36 के बराबर होगा तो हम यहाँ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट कि क्या स्टेटमेंट है 3x यानी कि 3 टाइम मैं बताया टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 54 को लिख दिया मैंने वो रिजल्ट क्या होगा किसके बराबर होगा वो बराबर होगा 36 के बराबर ये था हमारा जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया अब वही बेटा सिंप्लीफाई जिस तरह पहले क्वेश्चन में करते थे अब देखें यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर क्या लेके मैंने प्लस करना पड़ेगा हमने इक्वेशन का रूल लगाना है मैंने इक्वेशन की रूल बताया हुआ था कि हम क्या रूल थे या क्या इक्वलेंट था हम इक्वेशन को इक्वलेंट करने के लिए इक्वलेंटी क्या होती है एडिंग बोथ साइड मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बोथ साइड
और लास्ट में क्या है डिवीजन, बोथ साइड क्लियर जी, साइड यहाँ तक ओके। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमें वहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो 3x माइनस 5 प्लस 54 इक्वल 36 माइनस 54 आप लिख सकते हैं एडिंग बाय 54 बोथ साइड। इसको रेस क्योंकि हमने रेस करने के लिए इसको किया, 3x इक्वल टू 54 को हम लेस करेंगे इसमें से, 54 प्लस का ये माइनस 36 है, यहाँ पर ये कैरी हो गया कितना हो गया 14, ये 14 8 हो जाएगा 4 एंड 1 18 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे क्या लेंगे 18 बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस माइनस 18 बेटा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके होगा डिवाइड, ये मैंने आपको पहले सेट ए के अंदर काफ़ी अच्छी तरह बता चुका हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं आंसर निकाल लेता हूँ, क्या आंसर आएगा मेरे पास माइनस 5 पहले का हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा ओके। इसको हम रिस करते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6.2 है ये, काइंडली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड इसने कर ली वो क्वेश्चन को इजीली कर लेगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6.2 की तरफ, क्वेश्चन देखिएगा जी अब स्टेटमेंट को फॉलो कीजिएगा। इफ टू इज एडिंग, इफ टू इज एडिंग, हमने एडिंग करनी है ऐड करना है या एडिट, एडिट टू फाइव टाइम, टू फाइव टाइम पीछे क्या था टाइम थ्री टाइम, यहाँ पर फाइव टाइम हो गया। अ सर्टन नंबर, अ सर्टेन नंबर ठीक है ओके जी। द रिजल्ट इज द रिजल्ट इज द सेम एज इफ 16 इज सब्ट्रैक्ट फॉर ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स टू द नंबर, फाइंड द नंबर। नहीं बेटा इसको हमें डिस्कस करना है, स्टेटमेंट काइंडली समझिएगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है, सॉल्यूशन अगर दो को हम ऐड किया जाए, दो को हम जमा करेंगे फाइव टाइम, यानी कि फाइव टाइम से मुराद क्या होता है मल्टीप्लाई, टाइम क्या होता है मल्टीप्लाई, पाँच एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा फाइव के साथ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो हमें एक नंबर चाहिए पहले क्योंकि हमें नंबर ही फाइंड करना है, तो लिखते हैं लेट्स सपोज, लेट्स सपोज अ नंबर इक्वल टू एक्स क्लियर। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अंदर हम मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अंदर वो हमें कहता है कि आप बस ऐड करेंगे टू को, हमने टू को ऐड कर दिया, फिर कहता है फाइव टाइम पांच गुना, हमने क्या लिखा यहाँ पर फाइव एक्स क्लियर हो गया ठीक है। मैंने बताया कि जो टाइम होता है वो क्या होता है हमारे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई फाइव कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा फाइव एक्स, तो वही बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर कहता है सर्टेन अ नंबर ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सेम, रिजल्ट सेम आएगा अगर क्या होगा माइनस करेंगे किसको 16 को, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्वाइस मीन क्या होता है टू ठीक है, दो से ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है हमारे पास एक्स है तो हम एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टाइम आ गया क्लियर हो गया बेटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना सॉल्व करना है वही पुराने तरीका बेटा, बस जस्ट आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है जो मैं बार बार इसको आपको बताया जा रहा हूँ कि स्टेटमेंट को आपने इसको समझना है तो इजीली हो जाएगा। देखें जी अब क्या करेंगे, एक्स वाली एक तरफ एक्स के बगैर वाली एक तरफ जो पहले भी करवाया था मैंने, कैसे यहाँ पर फाइव एक्स है और ये टू एक्स है, यहाँ प्लस हो रहे थे यहाँ पर क्या होगी माइनस, मैंने रूल बताए हुए हैं लिखे भी हुए हैं इक्वल आ जाएगा, ये होगा माइनस 16 है ये प्लस है हो जाएगा कितनी हो जाएगी माइनस टू हो जाएगा, इसको लेस करेंगे तो 3x 5 माइनस टू लेस 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18, 16 माइनस एंड माइनस टू 18 ओके। 3 को मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाकर क्या होगा डिवाइड, x इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 तो x किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 के बराबर हो जाएगा
ये क्वेश्चन नंबर 6.2 था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर 6.3 बेटा, उसकी स्टेटमेंट मैं लिख के देता हूँ, एक लाइन ही है। वो कहता है फाइंड द कंजेक्टिव इवन इंटीजर्स हाउ सम इज 229 228, ठीक है 228 उसने बताई है वैल्यू। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, आप इसको नोट आउट कर लें बेटा, इजी हो जाएगा आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग करना। ओके जी, अब है 6.3। फाइंड थ्री कंजेक्टिव नंबर, 6.3 फाइंड थ्री कंजेक्टिव नंबर, ठीक है जी, थ्री कंजेक्टिव नंबर हैं इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स हूज सम इज 228, ठीक है 228, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर क्वेश्चन है जी। ओके जी, अब कंजेक्टिव नंबर हमने बताने हैं थ्री, और कौन से बताने हैं कंजेक्टिव नंबर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें कभी ओड कंजेक्टिव नंबर पूछेगा, कभी इवन कंजेक्टिव नंबर पूछेगा, कभी कंजेक्टिव नंबर पूछेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कंजेक्टिव नंबर अगर ओड पूछे वो वैल्यू जो टू पे डिवाइड होते हैं, यानी कि टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, ये इवन कंजेक्टिव नंबर है, ठीक है। अगर वो ओड पूछे वो कंजेक्टिव नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, टू पे डिवाइड नहीं होते, वन है, थ्री है, उसके अलावा फाइव है, तो ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं ये कौन से होते हैं ओड कंजेक्टिव नंबर। और अगर वो सिर्फ कंजेक्टिव नंबर पूछे तो फिर वो कॉन्टीन्यूसली जो काउंटिंग होती है यानी कि 1 2 3 4, तो वो कंजेक्टिव नंबर में शामिल होते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट अ नंबर, वही आपको पहले बताया, लेट अ नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हमने थ्री कंजेक्टिव नंबर, फर्स्ट इवन कंजेक्टिव नंबर 2x, क्लियर ही, इस तरह पर हम आगे मूव करते चले जाएंगे। हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है, ये भी याद रखिएगा, ये ऐड वाला भी याद रखिएगा। फिर आगे आएगा सेकंड इवन कंजेक्टिव नंबर, वो आएगा 2x+2, वो चलता रहेगा आगे, 2 आता चला जाएगा। ओके जी, आगे आ जी थर्ड इवन कंजेक्टिव नंबर, इसी तरह 2x+4, ये हम चेंज करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या रूल के मुताबिक दो क्वेश्चन बताए हुए हैं। ओके जी, क्या आएगा 2x+2 + 2x+4 इक्वल टू 228, वही काम लिखा बेटा जो हमने यहाँ पे शो किया था। अब सिंपलीफाई है, ब्रैकेट ओपन करूँगा, 2x+2x+2+2x+4 इक्वल टू 228। अब x वाली को सम कर लूँगा और x के बगैर वाली को सम, फिर इक्वल से आगे पीछे करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हमारा काम रह गया। अब क्योंकि हमने बेसिकली ये को आपने समझना है, बाकी तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमने हर लेक्चर इस तरीके से किया हुआ, हर क्वेश्चन इस तरीके से। ये 2 2 4 2 6, ठीक है जी, ये होगा 6x, और इसको भी ऐड करें, 2 और 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 228। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स वाली, ये एक्स दोनों तीनों को ऐड किया 6x, एक्स के बगैर 2 और 4 दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं इधर, ये प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा, 6x इक्वल है 228 माइनस 6, 6x इक्वल टू 22। अब 6 में से निकालें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, x इक्वल टू 222 इंटू 6,
आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है, क्या आंसर आएगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा 37, क्या आया 37। अभी तक ये रिजल्ट हमारा नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने तीन कंजेक्टिव नंबर के बारे में बताना है। अब हमें पहला कंजेक्टिव नंबर के बारे में पता चलना होना चाहिए, सेकंड कंजेक्टिव और थर्ड कंजेक्टिव। इसको रेज करते हैं जी स्पेस कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक पहले क्वेश्चन जो हमने किए वो यहाँ तक खत्म हो जाते थे, मगर अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने तीन कंजेक्टिव नंबर की वैल्यू बतानी है, हमें तो जस्ट किसकी वैल्यू पता चली एक्स की वैल्यू। तो लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट कंजेक्टिव, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, कंजेक्टिव नंबर, सेकंड कंजेक्टिव नंबर, थर्ड कंजेक्टिव नंबर 2x। अब देखिए 2x कहाँ से, ये 2x बेटा फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर, 2 का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या 37 जो ये निकला है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 and 7, 2x प्लस 2 तो किसके बराबर 2, 37 प्लस 2 74 प्लस 2 इक्वल टू 76। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया, x की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, ये आंसर आ गया। फिर जो फोर कंजेक्टिव नंबर है नीचे का लेता हूँ, 2x प्लस 4, 2 का 2 37 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 74 प्लस 4 इक्वल टू 78। ये किसका आ गया, फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर 74, सेकंड कंजेक्टिव नंबर 76 एंड थर्ड कंजेक्टिव नंबर 78। ये था बेटा आज का लेक्चर यूट्यूब चैनल पर थाईलैंड इकोनॉमिक्स पर, कि जिसके अंदर हमने जो सेट बी को डिस्कस किया उसके तीन क्वेश्चन को डिस्कस किया। बेसिकली जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होती है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।